नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। 90 का दशक था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था। कई गैंग इस इलाके से ऑपरेट करते थे। हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, लूट जैसी वारदात आम थी और क्राइम रेट अपने पूरे उरूज पर था। व्यापारी घर से बाहर निकलते थे तो इस बात की गारंटी नहीं होती थी कि शाम को सही सलामत अपने घर वापस आ पाएंगे, या फिर कोई गैंग फिरौती लेकर उन्हें कहीं अगवा न कर दे। बड़े व्यापारी तो सुरक्षा के लिए गार्ड रख लेते थे, लेकिन मझोले व्यापारियों के लिए बड़ी मुसीबत थी। डॉक्टर, भट्टा व्यवसायी, ठेकेदार जैसे लोगों का ये बदमाश अपहरण कर लिया करते थे और फिर परिवार से मोटी रकम वसूली जाती थी। एक ऐसी ही वारदात मेरठ के दौराला से सामने आई। साल था 1992 और तारीख थी 22 फरवरी। एक भट्टा मालिक कृष्ण कुमार रस्तोगी अपनी बुलेट से अपने भट्टे से घर लौट रहे थे। वो भट्टे से अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक एक मारुति वैन ने उनका रास्ता रोक लिया। वैन से 3 हथियार बंद बदमाश उतरे और तीनों ने कृष्ण कुमार को घेर लिया। तीनों ने कृष्ण कुमार को घसीट कर वैन में बिठाया और फरार हो गए। कृष्ण कुमार की बुलेट रास्ते में ही खड़ी रह गई। ईंटों की सप्लाई कर भट्टे से लौट रहे कर्मचारियों ने मालिक की जब बुलेट खड़ी देखी तो उन्हें अंदाजा लगा कि शायद कहीं मालिक आसपास ही होंगे, क्योंकि ये जो लेबर थे ये भट्टे लौट रहे थे और मालिक भट्टे से निकलकर घर की तरफ जा रहे थे। उन लोगों ने कुछ देर बाद आवाज भी लगाई। जवाब नहीं मिलने पर भट्टे से लेकर घर तक तलाश शुरू हुई। देर रात तक जब कृष्ण कुमार का कहीं कुछ पता नहीं चला तो परिवार ने पुलिस को इस मामले की इत्तला दी। पुलिस ने तहकीकात शुरू की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। दूसरे दिन कृष्ण कुमार के घर पर फोन के जरिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फोन करने वाले ने बताया कि कृष्ण कुमार उनके यानी जगदीश उर्फ जग्गी के कब्जे में है और रुपए नहीं मिले तो उसकी लाश मिलेगी। फोन की जानकारी के बाद दौराना थाने की पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। जब ये फोन आया उसके बाद पुलिस तक मामला पहुंचा, अपहरण का केस दर्ज हुआ, तफ्तीश शुरू हुई, जग्गी की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने जग्गी और उसके साथियों की तलाश में दबिश देनी शुरू की लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। इस वारदात से मेरठ के व्यापारी काफी गुस्से में। मेरठ के तत्कालीन सांसद अमरपाल सिंह लखनऊ में भी व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर दबाव बना रहे थे। उधर घर वालों ने पुलिस को बिना बताए 5 लाख रुपए की फिरौती दे दी। फिरौती मिलने के बाद जग्गी गैंग ने कृष्ण कुमार रस्तोगी को मवाना मेरठ रोड पर छोड़ दिया। तो इस तरह की वारदात उस जमाने में आम थी। केवल व्यापारियों को ही निशाना नहीं बनाया जाता था बल्कि पश्चिम यूपी में ऑपरेट करने वाले गैंग भी आपस में वर्चस्व के लिए जबरदस्त खूनी संघर्ष करते थे। पश्चिम यूपी की सड़कें गैंग वॉर के चलते लाल हो गई। सरे राह होने वाली गैंग वॉर मेरठ से लेकर लखनऊ तक पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी थी। उस वक्त के नामी गैंगस्टर तेजपाल गुर्जर और पप्पू त्यागी के गैंग भले ही खत्म हो चुके थे लेकिन कुख्यात गैंगस्टर महेंद्र फौजी और सतवीर सिंह गुर्जर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फौजी और गुर्जर रोड लोनी इलाके के मेवला गांव के रहने वाले थे। दोनों ही गुर्जर जाति से आते थे। इन दोनों को उस जमाने के टाउन एरिया के पूर्व चेयरमैन जगन जगलाल गुर्जर ने, जो टाउन एरिया के पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे, जगलाल गुर्जर उनका संरक्षण मिला हुआ था। जगलाल जमीन का काम किया करते थे लिहाजा इस धंधे को चलाने के लिए उन्हें मसल मैंस की जरूरत होती थी। महेंद्र और सतवीर जगलाल के लिए काम किया करते थे। जमीन के एक मामले में लेन देन को लेकर जगपाल और महेंद्र फौजी के बीच कहासुनी हो गई। इसमें जगपाल ने महेंद्र फौजी को काफी जलील किया। इससे गुस्सा होकर महेंद्र फौजी ने जगपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी। ये बात सतवीर को नागवार गुजरी और वो महेंद्र से अलग हो गया। तो जगपाल से अलग होने के बाद फौजी को लोनी टाउन एरिया के चेयरमैन राशिद अली का संरक्षण मिलने लगा। राशिद की जगपाल से राजनीतिक अदावत। इस बीच सतवीर को पता यह चला कि राशिद के भड़काने पर ही महेंद्र ने जगपाल की हत्या की। अब इसका बदला लेने के लिए सतवीर के गैंग ने लोनी बाजार में राशिद की जिप्सी पर AK-47 और SLR से हमला किया जिसमें राशिद समेत 6 लोग मारे गए, आधा दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। इसके बाद दोनों अपना अलग अलग गैंग बनाकर उसे मजबूत करने में जुट गए। महेंद्र फौजी गैंग में गाजियाबाद के बाबूगंज इलाके के अट्टा गांव का जगदीश उर्फ जग्गी भी था। अब जग्गी बेहद खतरनाक बदमाश था। वो महेंद्र फौजी गैंग में नंबर 2 का ओहदा रखता था। महेंद्र फौजी काफी समय से मवाना चीनी मिल के ठेके हथियाना चाहता था जो मेरठ के सांसद अमरपाल सिंह के करीबियों के पास थे। अब जिसकी वजह से महेंद्र फौजी को ठेके नहीं मिल पा रहे थे।
ठेकों पर कब्जा करने के लिए महेंद्र ने सांसद की हत्या का काम जग्गी को सौंपा। जग्गी के खिलाफ मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर जिले में 5 दर्जन से ज्यादा हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और फिरौती के मामले दर्ज थे। जग्गी बेहद दुर्दांत बदमाश था और वो पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा बदमाश बनना चाहता था। वो तकवीर गुर्जर और महेंद्र फौजी से भी बड़ा गैंग बनाना चाहता था, जिसके लिए उसे पैसों और हथियारों की जरूरत। यही वजह थी कि जग्गी महेंद्र फौजी से हटकर भी अपहरण करने लगा था और फिरौती वसूल करने लगा था। जब महेंद्र ने जग्गी को सांसद अमरपाल को मारने का काम सौंपा तो जग्गी ने सोचा, अगर वो सांसद को मार देगा तो बदमाशी की दुनिया में उसका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। उसे असलहे भले ही महेंद्र फौजी गैंग से मिल जाते थे, लेकिन छोटे असलहे हुआ करते थे। जग्गी चाहता था कि वो अमरपाल के कत्ल में AK-47 और SLR का इस्तेमाल करे ताकि उसकी दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाए। इसलिए उसने भट्टा व्यापारी कृष्ण कुमार रस्तोगी का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती वसूली थी। AK-47 खरीदने की खबर मुखबिर के जरिए पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस लंबे समय से जग्गी की तलाश कर ही रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। तो पुलिस ने AK-47 के बहाने जग्गी को पकड़ने की एक पूरी प्लानिंग की। यूपी पुलिस ने अपने एक दरोगा ब्रिजलाल सोलंकी को हरियाणा के सोहना का विधायक बनाकर जग्गी के पास भेजा और बताया कि वो उसे AK-47 दिला सकता है। उसे जग्गी को AK-47 राइफल और 9mm पिस्टल की फोटो भी दिखाई। इस मुलाकात के बाद दोनों तरफ से संपर्क बना रहा। कई बार जग्गी के कहने पर कथित विधायक की सिफारिश पर कुछ लोगों को थाने से छोड़ा भी गया, तो जग्गी यानी पूरी तरह से पुलिस के जाल में फंस चुका था। उसने कथित विधायक के साथ AK-47 और एक पिस्टल की डील तय कर ली। तय हुआ कि हथियारों की डिलीवरी 1 मार्च 1992 को मुजफ्फरनगर की रेशु विहार कॉलोनी में शाम 7 बजे होगी। बताए वक्त पर पार्क के आसपास पुलिस की 2 टीमें तैनात हो। कथित विधायक की गाड़ी पार्क के पास पहुंचते ही जग्गी की एक साथी ने जानकारी दी कि डिलीवरी आज नहीं बल्कि दूसरे दिन होगी। अब 2 मार्च को पुलिस की टीम एक बार फिर से पार्क के आसपास तैनात हुई। जैसे ही जग्गी 2 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा, पुलिस ने उसकी कार को घेर लिया। खुद को फंसा देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में हुई पुलिस फायरिंग में जग्गी का एक साथी ब्रजेंद्र मारा गया, जबकि जग्गी दूसरे साथी के साथ फायरिंग करते हुए भाग निकला। पुलिस पीछा करती रही जग्गी का। करीब 6 किलोमीटर दूर एक पुरानी फैक्ट्री हुआ करती थी, जग्गी उसमें घुस गया। अब पुलिस की टीम ने जग्गी को फैक्ट्री में चारों तरफ से घेर लिया। 1 घंटे मुठभेड़ चली और 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद जग्गी और उसके साथ सुरेश को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस को मौके से 1 2 नाली बंदूक के साथ 4 रिवॉल्वर मिले। इस तरह AK-47 खरीद के जाल में फंसा कर पुलिस ने पश्चिम यूपी को जग्गी के आतंक से मुक्ति दिला दी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।